हाँ जी बच्चों बच्चों, लास्ट क्लास में जो हमने अपना ये रिटायरमेंट का फुल कंप्लीट क्वेश्चन स्टार्ट किया था, उसका हमने वर्किंग नोट बना लिया था, रिवॉल्यूशन अकाउंट बना लिया था और उसके अलावा जनरल एंट्री भी पास आउट कर ली थी। तो टोटल मिलाकर के हमने 8 जनरल एंट्री की थी, 3 रिवॉल्यूशन की और 1 ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाली, उसके अलावा 4 हमने की थी स्पेशल एंट्री। तो इन सबके व्यापार अब हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट, बस उसके आगे का स्टेप मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले तीनों के ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख, तीनों के ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख, तीनों के ओपनिंग बैलेंस। उसके अलावा जहाँ जहाँ जिस जिस जनरल एंट्री में पार्टनर का नाम आया है उसको फिर अब पोस्ट करते चले जाएंगे, ऐसे ही आपने एडमिशन वाले चैप्टर में भी किया था। तो रिवॉल्यूशन की शुरुआत की 2 एंट्री देखिए, यहाँ किसी को भी पार्टनर का नाम नहीं है तो इन सबको ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब जिसमें पार्टनर का नाम नहीं है उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, लिखेंगे कैसे। थर्ड एंट्री देखिए, यहाँ तीनों पार्टनर क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं रिवॉल्यूशन की वजह से, यानी कि तीनों पार्टनर के डेबिट साइड में ये वाली एंट्री चली जाएगी, पोस्टिंग चली जाएगी, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट, यानी कि तीनों को डेबिट कर देंगे अब हम। किसकी वजह से हो रहे हैं डेबिट, ये रिवॉल्यूशन की वजह से। ये अमाउंट था 43,320, 32,490 और इसका भी 32,490। तो ये हो गई हमारी तीसरी एंट्री के भ्याप पर, हमने वहाँ पर इसका अमाउंट पोस्ट कर दिया, तीनों के डेबिट साइड में था तो यहाँ पर भी डेबिट साइड में कर दिया, जिसकी वजह से हुआ उसका नाम लिख दिया। अब देखिए इस वाली एंट्री में, अब यहाँ पर सब में यूज़ हो रहा है, ये जो 4th एंट्री हमने ट्रीटमेंट टू गुडविल वाली की थी, इसमें ए तो क्रेडिट हो रहा है इन दोनों की वजह से, और ये दोनों बंदे यानी कि बी और सी डेबिट हो रहे हैं ए की वजह से। तो पहले बी और सी में डेबिट साइड में लिख देते हैं, 2A, बी डेबिट हो रहा है 1,62,000 से और सी डेबिट हो रहा है 54,000 से, लेकिन साथ ही साथ ए क्रेडिट हो रहा है 2,16,000 से। तो बाय बी एंड सी, या बी एंड सी ए को क्रेडिट कर देंगे 2,16,000 से, ए को क्रेडिट कर दिया, ए का बैलेंस बढ़ा दिया और बी और सी का बैलेंस कम कर दिया, यानी बी और सी को डेबिट कर दिया। देख सकते हो आप, बी और सी को डेबिट किया है और ए को क्रेडिट किया है, और ए में ए का नाम नहीं आया, इन दोनों का नाम लिख दिया बाय बी एंड सी, और बी और सी में ए का नाम लिख दिया। तो ये वाली एंट्री भी हमारी 4th वाली एंट्री कंप्लीट हो गई। उसके बाद 5th एंट्री में क्या बताया है, 5th एंट्री में पुराना लॉस था, ये तीनों बंदे डेबिट हो रहे थे, तो यहाँ पर सिंपल अब डेबिट में कर देंगे, 2 ओल्ड लॉस, 20,000, 15,000, 15,000, 20,000, 15,000, 15,000, तीनों डेबिट हो रहे थे डेबिट कर दिया। यहाँ पर भी पुरानी गुडविल की वजह से तीनों डेबिट हो रहे हैं, डेबिट कर देंगे, 2 ओल्ड गुडविल, 36,000, 27,000 और 27,000, पुराने लॉस की वजह से भी डेबिट कर दिया, पुराने गुडविल की वजह से भी डेबिट कर दिया। 5वीं एंट्री हो गई, 6ठी एंट्री हो गई। इन दोनों एंट्री में क्या हुआ है, तीनों बंदे क्रेडिट हो रहे हैं, एबीसी क्रेडिट हो रहे हैं, एबीसी क्रेडिट हो रहे हैं जर्नलिज्म की वजह से, डब्ल्यूसीएफ की वजह से। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व 24,000, 18,000 और 18,000, जर्नलिज्म की वजह से तीनों को क्रेडिट कर दिया और बाद में डब्ल्यूसीएफ की वजह से भी क्रेडिट कर दिया, 36,000, 27,000 और 27,000। तो हमारा जनरल एंट्री का काम ख़त्म, हमारी पोस्टिंग हो गई पूरी की पूरी, आपके सामने कैपिटल अकाउंट पोस्टिंग कर दिया है मैंने। अब देखते हैं इसे, इसका बैलेंस निकालते हैं। हाँ जी बच्चों, तो देखिए मैंने इसका कर दिया है, इसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस। तो बी और सी जो बचे हुए थे, इन दोनों का पहले मैंने टोटल किया, बड़ा टोटल इस साइड ही आ रहा था,
295,000, इसका 195,000, वही मैंने दोनों तरफ लिख दिया, 295,000, 195,000, और ए का भी इसी तरह से 576,000, इस साइड का टोटल था बड़ा, मतलब तीनों के तीनों बंदों के क्रेडिट साइड के टोटल थे बड़े, वही बड़े टोटल मैंने इस तरफ भी लिख दिए। अब बैलेंसिंग करेंगे तो ध्यान रखिएगा, पहले भी आपको समझाया था कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके नाम के आगे बैलेंस शीट नहीं लिखा जाएगा। बैलेंस शीट किसका लिखा जाएगा? जो पार्टनर बिजनेस को आगे चला रहे हो। तो ए तो जा ही रहा है तो इसके आगे मैंने नाम के आगे जीरो कर दिया, नील कर दिया। बी और सी बिजनेस को चला रहे थे तो उनके बैलेंसेस निकाल लिए। बैलेंस कैसे निकाले? बड़े टोटल में से इन सबको माइनस किया, जैसे आपको ऑलरेडी पता ही है बैलेंसिंग करते हैं लेजर बैलेंसिंग, तो इसका बचा 58,510 रुपये और इसका 66,510, मतलब इसमें से बाकी इन सबको माइनस किया तो ये बचा, इसमें से इन सबको माइनस किया तो ये बच गया। अब ए के लिए क्या किया जाएगा? ए में तीन बातें हैं, ऑलरेडी समझा चुका हूँ लेकिन फिर दोबारा बता रहा हूँ, तीन बातें क्या, या तो उसे टू कैश पेमेंट करके ख़त्म करो। ए का जितना भी बैलेंस बच रहा है, ए का बैलेंस आ रहा है वैसे आपके पास 476,680 रुपये। ये जो 476,680 रुपये हैं, या तो इसे टू कैश पेमेंट करके ख़त्म करो, यानी कि हाँ भाई तेरा मेरा हिसाब ख़त्म, मतलब बी और सी बोलेंगे कि तेरा मेरा हिसाब ख़त्म, अब भाई अपने इतने पैसे लेकर के जा, या फिर उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो कि भाई तेरे को हम पैसा धीरे धीरे करके देंगे, भविष्य के लिए तेरे लिए हमने लोन बना दिया, यानी कि टू एज लोन, या फिर थोड़ा सा कैश दे दो और बाकी लोन में ट्रांसफ़र कर दो। तो क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कह रखा तो हम यही मान करके चलते हैं कि इसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए। क्वेश्चन में या तो बता दे कि इतना कैश दिया है या पूरा कैश दिया है, या फिर अगर कुछ नहीं कह रखा तो इसका हम यही मान करके चलते हैं कि इसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। तो टू एज लोन अकाउंट, ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि अभी ये भविष्य के लिए बैलेंस शीट में नहीं माना जाएगा। इसका क्या मान लिया जाएगा कि भी बी और सी की फर्म को इसके इतने रुपए देने हैं। क्लियर? अब कैश अकाउंट बना लेते हैं। इस साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश अकाउंट, इस अकाउंट इस क्वेश्चन में तो इतना यूज़ नहीं हो रहा लेकिन फिर भी आप बनाना ज़रूर कीजिए। तो 80,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस था, कैश इस पूरी जनरल एंट्री में कहीं पर भी यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पर भी कैश कहीं यूज़ नहीं हो रहा, यहाँ पर भी कहीं यूज़ नहीं हो रहा। कहने का मतलब है अगर यहाँ पर जैसे ए को पेमेंट की जा रही होती टू कैश, मान लीजिए 100,000 रुपये की पेमेंट थी, तो टू कैश इधर आता, इसका ए का लोन कितना हो जाता फिर 376,680। मान लीजिए इसको 100,000 रुपये की पेमेंट कर रहे होते इस पूरे बैलेंस में से, तो यहाँ लिखते हैं ना टू कैश 100,000 और बाकी बचा हुआ इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, तो टू एज लोन 376,680। तो जो टू कैश यहाँ पे 100,000 रुपये लिखा था वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता, क्रॉस चला जाता, यानी कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता। और क्या लिखते हैं? बाय एज कैपिटल 100,000 रुपये। अगर ऐसा होता, सारी की सारी पेमेंट जारी होती, तो यहाँ टू कैश 476,680, टू कैश 476,680, और ये पूरा का पूरा यहाँ आ जाता बाय एज कैपिटल 476,680। ऑफकोर्स यहाँ पे कैश की अरेंजमेंट तो करनी पड़ती, उस बारे में बस सोच नहीं रहा, कैश होता तभी पेमेंट की जाती, लेकिन अगर ऐसा कहा होता तो हम यहाँ से फिर ट्रांसफ़र करके यहाँ ले जाते और फिर कैश का बैलेंस चेंज हो जाता। तो कहने का मतलब इतना है कि कैश अकाउंट आप बनाने की अभी से प्रैक्टिस किया कीजिए, जैसे एडमिशन वाले क्वेश्चन में भी था, तो उससे आपको अच्छी हैबिट पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कैश का कोई यूज़ नहीं है, तो जितना बैलेंस बीडी था उतना ही बैलेंस सीडी भी हो जाएगा, इतना ही बैलेंस हमारा निकल गया बाय बैलेंस सीडी। लास्ट स्टेप है आपका बैलेंस शीट बनाने का, बैलेंस शीट ऑफ बी एंड सी। अब बी और सी की बैलेंस शीट बन जाएगी, नॉर्मल बैलेंस शीट है, बस जितने चेंजेस हुए उन चेंजेस के बाद लिख दीजिए। तो पुरानी बैलेंस शीट को हम सामने रखते हैं, पुरानी बैलेंस शीट को हमने सामने रखा, कैश है आपके पास 80,000 रुपये, कैश में कोई चेंज नहीं है तो कैश एज इट इज़ आ जाएगा, कैश 80,000। फिर देखिए डेटर्स, डेटर्स 90,000 रुपये के थे, प्रोविज़न हमने 10,000 रुपये माइनस किया, इतना आ गया 80,000।
अब डेटर्स को दोबारा से देखिए क्या बनाएंगे। डेटर्स 90,000 के थे, न्यू बैड डेब्ट हुए और माइनस न्यू प्रोविजन बनाया, तो नए बैड डेब्ट थे 4,000, नया प्रोविजन बना था 4,300 रुपये का, ध्यान होगा आपको। तो सब कुछ माइनस करने के बाद ये आपके पास आ गया 90,000 डेटर थे, नया प्रोविज़न घटाया, सॉरी नया बैड डेब्ट घटाया, तो 86 के बचे के आज के डेट में हमें 86,000 रुपये लेने हैं लोगों से। 4,300 रुपये उसमें से डाउटफुल डेब्ट थे, तो 86 में से 4,300 गए, तो 81,700 रुपये। आगे स्टॉक 1,00,000 रुपये, स्टॉक 1,00,000 का था, उसमें से डेप्रिशिएशन के चले गए 5,000 रुपये, 5% रिवोल्यूशन अकाउंट भी अपने सामने रखिएगा। तो स्टॉक था 1,00,000 का, 5% का डेप्रिशिएशन लगा था स्टॉक पर, मशीनरी पर और बिल्डिंग पर, तो माइनस करते चले जाएंगे। तो स्टॉक 1,00,000 का था, लेकिन अब कितने का रह गया, 95 का। मशीनरी 3,00,000 की थी, लेकिन 15,000 रुपये इसके ऊपर डेप्रिशिएशन लग गया, तो कितने का बचा, 2,85,000। बिल्डिंग 2,00,000 की थी, 2,00,000 की थी, 10,000 रुपये उसके ऊपर डेप्रिशिएशन लग गया, तो ये बचा आपके पास 1,90,000। इसी तरह से पेटेंट निल हो चुके हैं, पेटेंट 60,000 रुपये के थे, पूरी की पूरी वैल्यू हमने लॉस में दिखा दी है, तो आज की डेट में कितना हो जाएगा, निल। पेटेंट की वैल्यू क्या हो गई है, निल। चाहो तो नाम ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो चुका है, गुडविल खत्म हो चुकी है, इनको अब लिखेंगे ही नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस जितना भी था लॉस पूरा का पूरा बांट चुके हैं, खत्म हो गया। गुडविल खत्म कर चुके हैं, इन दोनों को अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो पेटेंट्स के बारे में भी ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। इस साइड में आइए, क्रेडिटर्स, 1,10,000 के हैं, 1,10,000 के हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा रिवोल्यूशन अकाउंट में नया क्रेडिटर भी आ गए थे जो अनरिकॉर्डेड थे, 20,000 रुपये के। एक बार चेक कर लेते हैं, 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये के नए क्रेडिटर थे, तो उसको भी दिखने के बाद अब हमारे पास क्रेडिटर हो गए टोटल 1,30,000। जर्नलिज़म 60,000 रुपये का पड़ा हुआ था, वो हम बांट चुके हैं, ख़त्म हो गया। WCF 90,000 का था, वो भी बांट चुके हैं, ख़त्म हो गया। अब कैपिटल ध्यान रखिएगा, लेकिन बी और सी की ही आएगी, कैपिटल बी और सी की लिखी जाएगी। बी की कैपिटल है हमारे पास 58,510 रुपये और सी की कैपिटल है 66,510 रुपये। जो नई कैपिटल आई है वो लिखी जाएगी। नया बैलेंस इन दोनों का, बी का इतना था, सी का इतना था, तो इन दोनों के बैलेंसेस नई बैलेंस शीट में आ जाएंगे, इन दोनों की 58,510, 66,510, इनका जो भी टोटल होगा भी लिख देंगे। उसके अलावा एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो गई ए के लोन की, बी और सी पर इतने रुपए का बोझ है, तो भविष्य के लिए उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो ए का लोन इतना कहाँ चला जाएगा, ध्यान रखिएगा उसे कैपिटल में मत लिखिएगा, नंबर कट जाएंगे इसमें, तो अलग से दिखाया जाएगा एज लोन अकाउंट। और ये है आपके पास 4,76,680 रुपये, 4,76,680 रुपये। और अब अच्छी तरह एक बार रिवोल्यूशन अकाउंट चेक कर लीजिए, इसकी पोस्टिंग हो गई, पेटेंट डेप्रिशिएशन तीनों की डेप्रिशिएशन ये सारा खत्म, प्रोविजन के एडजस्टमेंट कर चुके हैं, रिवोल्यूशन लॉस ऑलरेडी बांट चुके हैं, तो बस अब कुछ नहीं करना, बैलेंस शीट का दोनों साइडों को टोटल करना है, कैपिटल का टोटल इधर लिख देना है, कैपिटल का टोटल इधर लिख देंगे और दोनों साइडों को टोटल करेंगे, फिर देखते हैं एक बार बैलेंस कितना आ रहा है, बैलेंस शीट आपकी मैच होनी चाहिए। तो देखिए इन दोनों का बैलेंस आ गया आपके पास, जो बी और सी की कैपिटल थी, इन दोनों का बैलेंस करके मैंने यहाँ लिख दिया 1,25,020 रुपये। और अब इन तीनों का टोटल कर लीजिए, 1,30,000, 1,25,020 और इन सब तीनों का टोटल करने के बाद आपके पास आ रहा है 7,31,710 रुपये। लायबिलिटी साइड का टोटल क्रेडिटर्स, कैपिटल्स और ए का लोन मिला करके आ गया 7,31,700 रुपये। अब इस साइड का टोटल देख लेते हैं, 80,000, 81,700, 95,000, 285,000 और 1,90,000, इन सबका टोटल करने के बाद आपके पास आ रहा है 7 लाख
31,700। तो दोनों साइडों का टोटल आप अपने लेवल पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये था फुल फ्लैश क्वेश्चन। लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्किंग नोट, रिवॉल्यूशन अकाउंट और जनरल एंट्री सिखाई थी। इस वाली क्लास में इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया बाय प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट ऑफ न्यू पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स BOC। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस थे जो बचे हुए पार्टनर हैं, और इस पार्टनर का लोन अकाउंट, इसका लोन अकाउंट यहाँ ट्रांसफ़र किया, कैपिटल अकाउंट यहाँ ट्रांसफ़र किया। अगर आप इसको कैपिटल में लिख दोगे आंसर तब भी टैली हो जाएगा, लेकिन वो 6 में से आपको खाली 3 या 3.5 नंबर ही मिलेंगे, तो ये ऑथेंटिकली गलत है। जो पार्टनर रिटायर हो चुका है उसको बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।